हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार रॉय आप सभी को एक बार फिर से माइथ मैजिक चैनल में स्वागत है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को एक लाजवाब अलग अंदाज में मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंकिंग या बार वाला जो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मिनटों में, यानी कि पी बट्टे क्यू के रूप में कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या तो कोई भी क्वेश्चन को तो कोई भी नंबर को हम लोग पी बट्टे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। मैंने तो इससे आप लोगों ने मैट्रिक में नए एक अंदाज में पढ़े होंगे, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। उसी का अगला पार्ट टू है, जब लंबा लंबा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बस आप लोग वीडियो पर बने रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। उसके साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और इसके साथ ही शेयर जरूर करें। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, भाई अच्छा तभी तो लगेगा जब आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आप लोग बस एक काम कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत देखिए, अंत तक देखिए, ठीक, और मजा लीजिए आज का टॉपिक। ठीक है, चलते हैं वीडियो पर बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन समझिए, आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे तो लगता है सर इसको क्या ये है सर, मतलब इतना कॉम्पिटिटिव, बहुत कठिन है सर, बट ये कुछ कठिन नहीं, बस ये सेकेंडों का क्वेश्चन है। अगर आप मेरे बताए हुए बातों को पहले समझे होंगे जो मैंने पहले टॉपिक में बताया, तो पहले वीडियो में अगर वहां पे आप लोग समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही मतलब अच्छा और आसान क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब इतना आप अगर मेरे पहले वाले वीडियो अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, इतना दावा के साथ मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझिए, 3.12 बार प्लस 5.34 रेकरिंग प्लस 2.16, भाई रेकरिंग बोलो या बार, मैंने रेकरिंग या बार दोनों एक ही साथ बोल दिया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना सर, रेकरिंग बोले या बार, एक तरह से आप लोग बार ज्यादा याद किए तो बार को ही बोले। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, उसको पहले थोड़ा एक बार और देख लीजिए। जो वीडियो पर नए हैं तो एक काम और कीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप पीछे चले जाएं मेरे चैनल पर, जाएं वहां पे आप जाकर के इस मैंने बैनर जो 4 वीडियो अपलोड किया हूँ वहां पे जाके देखिए आप लोगों, उसी में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो बनाया है उसका थंबनेल डाला हुआ, उसमें देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये काम कीजिए। तो देखते हैं आज का जो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उस पर हम अच्छा तरीके से आसानी तरीके से बनाने वाला हूँ। मैंने आप लोग को रेकरिंग के बारे में बताया था, मैंने आप लोग इससे पहले रेकरिंग के वजह से जैसे 0.33 होता है ना, जैसे मैंने लिया 0.33, इसको दिया रेकरिंग, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन है ना, तीन 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 आते ही रहेगा, इसका मतलब ये होता है। 0.3 लिखो या 0.33 रेकरिंग दोनों एक ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं, ठीक है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, आपको इसमें करना है क्या कि ये जो 3 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, सबको जोड़ दीजिए, पहले जो बिना रेकरिंग का है उसको जोड़िए। ठीक है, समझिए बात ध्यान से, जो पहले रेकरिंग दिया उसको जोड़िए, बिना विदाउट जो रेकरिंग को है उसको ऐड कीजिए, देन आफ्टर यू मतलब जो रेकरिंग जो बार वाला है उसको जोड़िएगा। ठीक है, चलते हैं उसी तरह हम लोग करते हैं, पहले क्या करते हैं देखते हैं, जोड़ते हैं पहले। इसे मैंने जोड़ा 3, 5, 2 कितना हुआ, 5, 3, 8, 8, 8, 2, 10, मैंने 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होगा, होगा क्यों, उसके बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया। ठीक, उसके बाद क्या करूँगा, जो रेकरिंग वाला भाई उसको जोड़ देते हैं, भाई जोड़िए 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12 का मैंने यहाँ पर लिखूँ 2, हाँ सर लिख दीजिए ना, 2 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है सर। फिर मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ते हैं 1, 3, 4, 4, 1, 5, 5 और 1, 6, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूँ। ठीक, अब देखिए क्या क्या था, इस पर जो बार वाला है उसको बार चढ़ा देता हूँ मैं, भाई नहीं तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा बार क्यों नहीं डाला मैंने, बार नहीं घर इसका डालते हैं, नहीं तो भींग जाएगा छत्ता लगाते हैं इसके ऊपर, इसी को हम लोग बार बोल देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका मतलब समझिए, एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा, जब भी कभी इसे 10 to 10 to 5 ऐसे दिया रहेगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा, ऐसे जब भी आपको दिया रहेगा तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, कि यहाँ पे जो 10 दिया हुआ ना भाई, इसका मतलब होता है प्लस 2 बाई 5,
इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा और अगर आप इसको सॉल्व कीजिए दोनों के आंसर सम आएंगे। देखिए यहाँ पर पाए देंगे 10 × 10 = 50 हो गया, 50 × 2 = 52, 52/5 आपका आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे इसको कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे उस तरह कीजिए, यहाँ पे भी वही आ रहेंगे, देखिए करिए तो वही आएगा आपको, दोनों सेम आते, इसलिए इसे घबराइए नहीं कि ये क्या चाहिए। तो ये कुछ नहीं, आप लोगों को यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 10.62/12 ऐसा दिया हुआ, तो घबराना नहीं, आपको क्या करना है इसको हम लोग एक बार सेट करके लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 10+6, मैंने पॉइंट यहाँ पर हटा रहा हूँ, इसलिए मैंने प्लस दे दिया 62/12, ऐसा लिख सकते हैं इसको भाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर क्यों लिख सकते हैं, आप लोग का जवाब आया, मेरा जवाब नहीं है, आप लोगों को आना चाहिए इस तरह जवाब, ठीक है। देखिए 10+ मैंने लिख दिया, अब बार का काम करते हैं भाई, तो बार का काम क्या करना पड़ता है, 62 तो उसी मैंने बताया था कि जिस पर बार रहता है ना उसको क्या करना, उसी तरह रहने देना है। देखिए यहाँ पर एक बात और आ रही है, यहाँ पर 0 आप लिख सकते हैं, ऐसे बात नहीं, ठीक है, 0 यहाँ पे छिपा हुआ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सर पॉइंट पूरा हट गया, नहीं हटा, 0 भी हम 0 दिया नहीं दिया उसे मतलब है, ठीक है। तो यहां से आप इतना समझ गए, तो इस तरह लिख दिया। अब क्या करता हूं मैं, मैंने पहले वाला जो बताया था पहला क्लास में, क्या करते हैं जितना पर बार है, ठीक है, जितना पर बार है उसने पहले देखिए क्या से लिखा हुआ, 62 लिखा हुआ, मैंने 62 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कितना पर बार है, 2 पर बार है, ठीक है, कितना पर बार है, 2 पर, तो 2 मैंने लिख दिया। 0 कब बैठा था पता है, जब जिस पर बार नहीं होता उस पर 0 बैठा था, अगर यहाँ पे 2 रहता ना उस पर बार नहीं रहता तब 0 बैठा था, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर देखिए 10+, ठीक है, इसको कटेगा, इसको इस तरह रहने दीजिए, इसको इसी तरह रहने दीजिए, ठीक है, इसको इसी तरह रहने दीजिए, आप इसको कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए आप इसको, इसको अब 10 रख, इसको ऐसे लिख दीजिए 10 और 62, उसी तरह फॉर्म में लिख दिया मैंने 99, इतना लिख दिया, ठीक है। अब इसका आंसर लेने की बारी आया, इसका आंसर अगर करना चाहिएगा तो इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको लिखिएगा तोड़ के इतना ही इसका आंसर, मेरा आंसर हो गया, कितना आसान तरीके से बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P/Q फॉर्म में बना हुआ। अगर बोलिएगा सर इसको और बढ़िया से लिख दीजिए, तो भाई देखियो, अगर देखियो भाई हो, अगर इसको और लिखना चाहिए हो तो इसको क्या कीजिएगा, 99 से गुना कर दीजिए, 1 0 बैठा दीजिए, 99 से 10 में 0 को जितना हो जाएगा इसमें पर जोड़ दीजिए, जोड़ दिए भाई 2 6 9 15 9 10 यही होगा ना इसका आंसर। और अगर P/Q के फॉर्म में लिखना चाहेंगे क्या लिख सकता हूँ मैं, 152y 99, कटेगा क्या, 5 ज्यादा नहीं भाई, नहीं कटेगा, ये मेरा आंसर हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया ना, तो P/Q के फॉर्म में मैंने लिख दिया इस चीज को, तो इसका आंसर इतना आसानी तरीके से निकल गया। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है, मैंने सबसे पहले क्या किया, जो दिया था जिस पर रैकिंग नहीं था उसको जोड़ दिया, पॉइंट बैठा दिया, उसको जो रैकिंग उसको जोड़ा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रैकिंग वाला कंडीशन मैंने पहले भी बताया था, जो 6 जितना बार रहा था उतना 9 नीचे बैठा देना, उसके बाद कहानी उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ, कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ठीक है, तो चलते हैं, मतलब आज के वीडियो में खत्म करता हूँ, जय हिंद।